नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं इनखबर.com। 00 का ट्रेलर रिलीज हो गया है और जैसा कि माना जा रहा था ये कहानी बहुत ही डिफरेंट होने वाली है। सच में आनंद एल राय ने कुछ जादू ही कर दिया है, क्योंकि इस फिल्म में अगर आप ट्रेलर को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे फिल्म की कहानी कई हिस्सों में आप समझ सकते हैं। मतलब ट्रेलर भी आप बताएंगे तो ट्रेलर की कहानी पूरी फिल्म को एक्सप्लेन कर दे रही है। पहला हाफ आपको बता दें, उसमें आपको शाहरुख खान एक 38 साल के युवक है जो शादी.com के चक्कर लगा रहे हैं और उन्हें एक जीवन साथी चाहिए और वहां पर उन्हें एक तस्वीर मिलती है अनुष्का शर्मा की और अनुष्का शर्मा की तस्वीर देखकर वो दीवाने हो जाते हैं और उसके बाद वो उनसे मिलने जाते हैं और वो मिलते हैं तो पता चलता है आपको अनुष्का शर्मा है जो वो एक डिजेबल है। अगर आपने स्टीफन हॉकिंग को पहचानते तो उनका जो कैरेक्टर है स्टीफन हॉकिंग से काफी मिलता है, मशहूर साइंटिस्ट थे जो लास्ट डेथ करके उनसे काफी मिलता है और जो उनका बोलने का अंदाज है जो स्टीफन हॉकिंग से काफी मिलता है और वहां पर जो बातचीत होती है आपको शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा के बीच दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेकिन ट्रेलर का दूसरा हाफ एक अलग ही कहानी बयां कर रहा है। जैसे दूसरा हाफ आता है वहां पर एंट्री होती है कैटरीना कैफ की। कैटरीना कैफ एक बहुत बड़ी स्टार है, इंडिया की सबसे बड़ी स्टार है और वहां पर शाहरुख खान उनके फॉलोअर्स है। आपको बता दें वहां पर शाहरुख खान उनके फैन है। अगर आपने चिकन चमेली का गाना देखा है वो चल रहा है स्क्रीन पर और वहां पर कैसे शाहरुख खान कैटरीना कैफ के करीब पहुंचते हैं और वहां कैटरीना कैफ को शाहरुख खान से प्यार हो जाता है और ये कहानी विदेश चली जाती है। जैसा कि पहले माना जा रहा था क्योंकि इसमें कास्ट है, इसमें दर्जन भर से ज्यादा स्टार आपको विदेशी है, ये कहानी विदेश चली जाती है। शाहरुख खान अनुष्का शर्मा को छोड़कर विदेश चले जाते हैं, वहां पर वो रहते हैं कैटरीना कैफ के साथ, लाइफ एंजॉय करते हैं, लेकिन एंड में कैटरीना कैफ उन्हें छोड़ देती है और फिर वो चाहते हैं वापस अनुष्का शर्मा। यही पे कहानी है, शायद अनुष्का शर्मा उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती है क्योंकि वहीं पर एक डायलॉग है, रिश्ता अब बराबर का हुआ है बुवे, ये कह रही है आपको अनुष्का शर्मा। और इसके बाद जो एंडिंग है, जो जीरो का अगर आप पोस्टर देखेंगे उस पर एक मून बन रहा है तो वहां पर एक वॉइस ओवर है जहां पर आपको स्पेसशिप दिख रहा है जो मून की तरफ जा रहा है और कहीं ना कहीं ये अलग एंगल है, तीसरा हिस्सा है फिल्म का जो इसे अलग लेवल पर जा रहा है, जो हम मान सकते हैं ये कहानी फिल्म एक अलग जोन पर ले जाएगी। पहली इंडियन फिल्म होगी जो चांद तक की कहानी बात लिखा रही, उसमें शाहरुख खान का वॉइस ओवर है। कहानियों में सुना था लोग इश्क में चांद तक ले जाते हैं, मैंने ये बात सीरियसली ली। अगर आप इस ट्रेलर को जाएंगे और देखेंगे और समझेंगे तो आप जानेंगे इंडियन फिल्म हिस्ट्री की बहुत ही अलग और एक डिफरेंट फिल्म होने वाली है। आनंद एल राय की डायरेक्टेड है। आपको बता दें इस फिल्म में एक और बड़ा खास सीन है जहां पर बउआ अपने पिताजी से मार खा रहे, जो जिसे प्ले किया तिग्मांशु धूलिया ने। तिग्मांशु धूलिया को हमने आखिरी बार गैंग्स ऑफ वासेपुर में देखा है, वहां पर कह रहे हैं कि मैं बौना रह गया क्योंकि तुम गुटके खाते हो, क्योंकि तुम्हारे स्पर्म्स छोटे पड़ गए। वो भी बड़ा कॉमेडी सीन है। आप जाइए इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देखिए और बताइए आपको कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में। लगातार इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करें।